प्लस आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है श्रीनगर ट्रिप डे 3। और अगर आपने श्रीनगर ट्रिप डे 1 और श्रीनगर ट्रिप डे 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोग वो वीडियोस देख चुके हैं तो आप उन छोटी छोटी बातों से और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिन्हें मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है, जो घूमने के दौरान मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें हुई और जिन्हें मैंने पॉइंट आउट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डे 3 के वीडियो के साथ में। तो चलिए मेरे साथ डे 3 के सफ़र पे। हेलो एवरीवन, आज ही हमारा थर्ड डे श्रीनगर में और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग के लिए। हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब रेडी होकर हम गुलमर्ग निकल चुके हैं। यहाँ के रास्ते भी उतने ही खूबसूरत हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको गुलमर्ग जाकर जितना मज़ा आएगा उतना ही मज़ा आपको रास्तों में भी आने वाला है, क्योंकि बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि आप चाहे तो मेक माई ट्रिप वगैरह से भी गाड़ी की बुकिंग करा सकते हैं गुलमर्ग वगैरह जाने के लिए। हमने होटल से ही कराया था, लाइक होटल वाले भैया से कहा था कि आप गाड़ी का इंतज़ाम कर देने के लिए, तो उन्होंने सारी सेटिंग वगैरह कर दी थी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रस्टवर्दी जगह से ही करिए, ऐसे रास्ते पर से किसी से भी नहीं कर लीजिए, क्योंकि आप अनजान जगह पे हैं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कोई भी आपको फुसला बहका सकता है उस समय में। तो आप किसी ट्रस्टवर्दी जगह से करेंगे तो आपको पूरी सेफ्टी रहेगी कि आप सही सलामत वापस से होटल पहुंच जाने वाले हैं बिना किसी दिक्कत के। अच्छा, रास्ते में एक व्यू पॉइंट भी आया जहाँ पे भैया ने बताया कि यहाँ पे रुककर लोग पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं, तो हम भी वहाँ पर रुककर पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने लगे, वीडियोस वगैरह भी बनाए। काफ़ी खूबसूरत व्यू था वहाँ का और वो जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था उतना ही खूबसूरत महसूस भी हो रहा था, बिल्कुल हेवन जैसा। पर थोड़ा परेशान था, उसको पेट में थोड़ा दर्द था, तो मैं नहीं निकल पाई गाड़ी से और हम ज़्यादा रुक भी नहीं पाए, पर व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा था। जहाँ हम रुके हैं गुलमर्ग में, इसी जगह पे आपको गाड़ी वाले भैया लाकर छोड़ देंगे और यहाँ से आगे आपको घोड़े से ही जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर आपको लौट के भी यहीं पे आना है और यहाँ से आपको गाड़ी वाले भैया लेकर और फिर होटल छोड़ देंगे, या फिर अगर आप वहाँ रुकना चाहते हो तो वहाँ रुक भी सकते हैं। हमें वहाँ से लौटना ही था सेम डे, तो हमारा यही था कि गाड़ी वाले भैया फिर लेके हमें लौट जाएंगे। मैंने तो जब देखा कि घोड़े पे जाना है तो मैं तो लाइक हो गई थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मतलब आपको जाना है तो आप जाओ, मैं यहीं रुक के वेट करूंगी, आप घूम फिर के आ जाओ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लाइक घोड़ों पे या किसी भी इस तरह के जानवर पे बैठकर और इस तरह से घूमने में, बट फिर क्या कर सकते हैं, हम इतनी दूर आ चुके थे। और फिर सतीश ने समझाया भी कि ऐसे नहीं होता है, मतलब जाना तो पड़ेगा ही, तो मैंने बहुत हिम्मत रखी और फिर मुझे बहुत डर भी लग रहा था, पर फिर घोड़े वाले भैया ने बोला कि घोड़े को भी अपनी जान की चिंता है, मत डरो आप, वो ना गिराएगा ना गिरेगा, उसको भी तो अपनी पड़ी है ना, ऐसे करके फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे मैंने हिम्मत वगैरह रखी और फिर मैं बैठ तो गई घोड़े पे, पर चिल्ड्रंस पार्क जाने के आधे रास्ते तक मेरी आंखों से आंसू टप टप गिर ही रहे थे, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। बट फिर थोड़े दूर चलने के बाद मुझे लाइक थोड़ा सा हिम्मत आया और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंट फील करने लगी
लगे, डर तो मुझे फिर भी लग रहा था। तो घोड़े वाले भैया ने ऐसे बताया था कि वो 6 जगह पे हमें घुमाएंगे करके, और फिर उन्होंने रेट वगैरह बताया, वो बता रहे थे कि इतना लगेगा, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। तो हमने बोला कि हमें 6 जगह तो नहीं घूमना है, पर हम जितना भी घूम पाएंगे हम, मतलब जैसे जो भी रेट था हमने तय कर लिया। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि आप तय करके ही जाएं, जैसे वो कहते हैं ना कि आप जो इच्छा दे देना, जो चाहे दे देना, वैसे बिल्कुल भी नहीं करके जाएं, तो बाद में वो आपको शौक लग जाएगा, वो इतना ज़्यादा बोलने लगेंगे कि हम इतना घुमाया, ऐसे दे रहे हो वैसे दे रहे हो। पर यहाँ हमने कितना दिया ये मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी भी तो रोजी रोटी है। आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना, जितनी आपकी शक्ति हो आप उतना कर लीजिए बार्गेनिंग, या वो मान भी जाएं ये भी डिपेंड करता है। तो हम कुल 3 पॉइंट्स घूमे, चिल्ड्रंस पार्क, एक फोटो पॉइंट था, और फिर हम गंडोला जाने वाले थे तो हम गंडोला गए। हेलो एवरीवन, अभी हम आए हैं चिल्ड्रंस पार्क पर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है झूला वगैरह कि आप बच्चों को घुमा सके, बस मैदान है जिसमें आप घूम सकते हो, और ये बहुत बड़े एरिए में है। मैं बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी, पर पहले आप इस तरह देखिए। और यहाँ हम आए घोड़े की राइडिंग करते हुए। एक्चुअली घोड़े पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं दोनों हाथों से कस के पकड़ के रखी हुई हूँ, इसलिए मैं कैमरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। पर मेरे पास एक दो फोटोज़ हैं जो घोड़े वाले भैया ने खींचे हमारे, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये है एंट्री गेट जहाँ से हमने एंट्री करी है, और ये है पूरा सीन जो मैदान है, और यहाँ से सीन बहुत अच्छा है। यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, क्योंकि एकदम से कड़क धूप सीधा आपके ऊपर पड़ रही है। वो जो आपको वहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, ये जो आपको कपड़े लगे हुए दिख रहे हैं, ये वो जो बनते हैं ना कश्मीरी बन के फ़ोटो खिंचवाते हैं, ये उसके लिए लगा के रखा हुआ है उन्होंने। अभी हो सके तो हम वहाँ जाके खिंचवाएंगे, नहीं तो देखेंगे कि गल गई। ऐसे रास्तों पे चलते चलते मैं इतना डरते डरते पर थोड़ा तो कॉन्फिडेंट फील करने ही लग गई थी, पर मेरा डर तो नहीं गया था पूरी तरीके से। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने अंदर के डर को हावी ना होने दूं इतने अच्छे घूमने वाले मूड के ऊपर, बट क्या कर सकते हैं, मैं तो मैं हूँ। बट वो दोनों भैया बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। लाइक मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की है कि जिन स्वेटर्स को मैं लेकर गई थी, तो मैं उनको गुलमर्ग भी लेकर गई थी कि अगर थोड़ी ठंड होगी, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे जाने वाले थे, तो मैं एक झोले में करके लेकर गई थी। बट उनका उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे। और पर वो भैया ना अपने कंधे पे, जितने देर हम घोड़े पर घूमे उतने देर उसको कंधों पे लेकर ही वो भी साथ साथ घूमे। हमने कितना भी बोला कि दे दो हमें, बट उन्होंने नहीं दिया। वो इतने कोऑपरेटिव, इतने अच्छे थे, और मुझे भी बार बार काम डाउन कर रहे थे कि मत डरो बहन, मत डरो ऐसे करके, पर बहुत ही अच्छे से घुमाया अभी उन्होंने। चिल्ड्रंस पार्क के बाद डायरेक्ट हम गंडोला ही आ गए, बीच में कहीं भी नहीं रुके हैं, और यहाँ हम रोपवे से जाएंगे ऊपर। ये दो फेजेस में होता है, पहले फर्स्ट फेज और फिर सेकंड फेज, इसको बोलते हैं गंडोला। यहाँ से टिकट लेंगे और पता नहीं उसके बाद कहाँ जाना है। हाँ बेटा, हमने टिकट ले ली है और अब हम पढ़ रहे हैं गंडोला की तरफ, जहाँ से हम पकड़ कर और ऊपर की तरफ जाएंगे। यही रास्ता है जाने का जहाँ से गंडोला निकलती है, अभी हम जस्ट एंट्री करने वाले हैं।
फाइनली हम बैठ गए गंडोला पे एंड मुझे फर्स्ट टाइम में डर लग रहा था थोड़ा ज़्यादा ही, तो हम अच्छे से पहले बैठ गए, उसके बाद ही मैंने कैमरा चालू किया। एंड मुझे डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि आपको चलते चलते ही गंडोला पे बैठना होता है, लाइक गंडोला चलता रहता है और उसके बाद आपको उस पर बैठना रहता है, पर वो आपके पास आते आते ना एकदम से स्लो हो जाता है। पर फिर भी लाइक चलते हुए झट से बैठना थोड़ा रिस्की हो सकता है एंड सावधानी तो ज़रूरी है, हर जगह कलाकारी नहीं दिखा सकते, इसीलिए थोड़ा सावधानी बरतते हुए मैंने कैमरा वगैरह बंद करके रख लिया पहले अच्छे से, और उसके बाद फिर जब हम बैठ गए तो उसके बाद मैंने कैमरा चालू किया। एंड आपको उतरना भी चलते चलते ही पड़ता है, लाइक गंडोला चलता रहता है और आपको झट से उतरना पड़ता है। और मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि आपको करीब पर पर्सन 1600 रुपीज़ टिकट का लगेगा सेकंड फेज तक जाने का, अगर आप सेकंड फेज तक जाते हैं तो, नहीं तो फर्स्ट फेज का कुछ अलग चार्ज है। अभी हम जिस गंडोला में बैठे हैं ये ग्रीन कलर का है जो कि फर्स्ट फेज तक जाता है, अब हम फर्स्ट फेज पहुंच भी चुके हैं बट हम यहाँ रुकने नहीं वाले हैं, हम सेकंड फेज जाएंगे डायरेक्ट। देखिए अब हम रेड वाले गंडोला में बैठ चुके हैं जो हमें सेकंड फेज तक ले जाने वाला है, और अब हम जस्ट फर्स्ट फेज छोड़ भी रहे हैं। हमने सोचा कि पहले हम सेकंड फेज घूम लेते हैं तब फर्स्ट फेज घूमेंगे, क्योंकि फिर लौट कर हमें फर्स्ट फेज तक ही आना था, क्योंकि हमारे साथ में छोटा बाबू भी था तो जैसे जैसे शाम ढलती तो ठंड भी बढ़ती और थोड़ा ऊपर भी जाना था हमें, इसीलिए हमने सोचा कि पहले हम सेकंड फेज घूम लेते हैं उसके बाद फर्स्ट फेज घूमेंगे। तो लो अब हम पहुंच गए सेकंड फेज में और आपको बाहर निकलते ही जस्ट ये सीढ़ियाँ मिलेंगी और इससे उतर के आप फिर घूम सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है घूमने के लिए, और अब आप जहाँ चाहे जा सकते हैं क्योंकि पूरा आसमान आपका है। और अब आप मुस्कुराइए क्योंकि आप जन्नत में हैं बादलों के बीच। वाओ क्या फीलिंग है, कैसे बयां करूं इस एहसास को जो बादलों के छूने से होता है, जैसे कोई सपना हो या सपनों सा कुछ, या खुली आंखों से जन्नत देख रहे हो आप, कुछ वैसी ही फीलिंग आती है वहाँ। वहाँ एक जगह हल्की सी बर्फ जमी हुई थी और वहाँ पे लोग स्कीइंग भी कर रहे थे, एकदम पतली सी रोड बनी हुई थी बर्फ की और उसमें ही लोग लुत्फ उठा रहे थे पूरी तरह से बर्फ का। हमने भी पहाड़ों में बहुत घूमा, हमने मैगी भी खाई एक टेंट में, एक भैया मैगी बना रहे थे वहाँ पे, पर पार्ट थोड़ा खा नहीं पाया वो तीखे के कारण, पर जो भी है हमने मज़ा बहुत ही किया। हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे घूम रहे थे और अब टाइम भी हो चुका था कि हम फिर गंडोला की तरफ चले गए निकलने के लिए। एंड लौटते टाइम थोड़ी सी भीड़ भी हो गई थी गंडोला में, 6 लोग बैठे थे एक गंडोला में, एक्चुअली इतने ही बैठते हैं गंडोला में 6 लोग, बट जैसे कि चलता चलता रहता ना गंडोला तो फिर जितने लोग रहते हैं उतने को भी बिठा के वो बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए आते वक्त केवल हम 3 आए थे और फिर जाते वक्त 6 लोग जा रहे हैं। अब हम गंडोला पे बैठ चुके हैं और काफ़ी डरावना लग रहा है यहाँ से उतरना। एक्चुअली हम घोड़े से ही फिर कार स्टॉप तक जाने वाले हैं तो टाइम लिमिट था, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी ही घूम लेते हैं क्योंकि फिर उसके बाद हमें होटल भी जाना है, लाइक यहाँ से फिर हम नीचे जाके पहले घोड़े से जाएंगे कार स्टॉप, फिर कार स्टॉप से जाना था हमें होटल। अब हम फर्स्ट फेज पे आ चुके हैं। यहाँ बर्फ के दिनों में ना ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में क्योंकि यहाँ केवल मैदान है और दूर दूर पे पहाड़ वगैरह हैं, तो हमने भी ज़्यादा घूमा नहीं वहाँ, पर हम थोड़ा सा घूमे और फोटोज़ वगैरह लिए। ये ही वो ट्रॉली है सेकेंड फेज को जो जा रही थी, कितनी मस्त लग रही है ना। तो कुछ पिक्स वगैरह हमने ली, थोड़े वीडियोस बनाए और अब हमारा मन हो रहा था कि अब हम बस जाएं यहाँ से क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थकने लग गए थे, घोड़े पे बैठ के हमारी कमर की बैंड बज चुकी थी और हमें आराम करना था। पार्ट भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था क्योंकि फिर यहाँ से लौट के हमें घोड़े से ही जाना था और फिर कार स्टॉप जाकर फिर वहाँ से हम होटल जाते, तो थोड़ा लंबा समय था आराम करने के बीच में, तो इसीलिए हमें लग रहा था कि अब निकल जाना चाहिए।
अब हम कार स्टॉप पहुंच चुके हैं एंड वहाँ एक दो ढाबे बने हुए थे तो हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने थोड़ा सा खाना वाना खाया और ज़रूरी भी है वहाँ पे रुक के आपको कुछ खा लेना, क्योंकि रास्ते में पहाड़ काट के रोड्स वगैरह बने हुए हैं तो आपको दूर दूर तक ढाबा वगैरह नहीं मिलने वाला है, तो खा लेने में ही समझदारी है वहाँ पे। खाना बहुत टेस्टी था, हमने पराठे मंगाए थे, मैगी मंगाई थी, बट यहाँ भी थोड़ा सा तीखा मैगी होने के कारण खा नहीं पा रहा था, तो फिर ढाबे वाले भैया ने बोला कि बच्चे यहाँ आते हैं तो हाफ मसाला वाली मैगी खाते हैं तो वैसी बना देते हैं, तो फिर हमने वो बनवाई तो वो पार्ट बहुत अच्छे से खा लिया। तो आपके भी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ मसाले वाली मैगी बनवा सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चे झट से खा लेंगे। मैं एक्चुअली पार्ट को मैगी वगैरह देती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे आइडिया नहीं था कि वो हाफ मसाला डाल के उसको दे सकते हैं, पर अब मुझे पूरा आइडिया है कि मुझे अगर पहाड़ी जगह पे जाना है तो फिर मैं आगे क्या करने वाली हूँ लाइक ऐसी जगहों पे। अब हम लोग श्रीनगर रिटर्न हो रहे हैं, काफ़ी टाइमली हमने घूम लिया है और अब हम वहाँ जाके रेस्ट करेंगे होटल में। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तभी तो हम दोबारा मिल पाएंगे। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।